हमारे स्टूडियो में आ चुका है हमारा नया मेहमान और हम इसको आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे ये एक लाइट है गोडॉक्स का SL60। बहुत दिनों से मैं लेने के लिए सोच रहा था लेकिन जो सिचुएशन है इसके वजह से डिले हो गया था। मैं नॉर्मली दो लाइट यूज़ करता हूँ, एक नॉर्मल जो बल्ब है ऊपर जो 200 रुपये वाला एक LED लैंप है और बाजू में दो LED लाइट है, तो कम पड़ रहा था तो इस वजह से मुझे ये लेना पड़ा। मैंने ये कोलकाता से लिया है, लोकल स्टोर से, रैशनल फोटोग्राफिक्स, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रेटिंग है। तो बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही हेल्पफुल है, इंडिया में किसी भी जगह पर वो शिप कर देते हैं। प्राइस आपको बहुत ही कम से कम सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कैमरा, लाइटिंग, कोई फोटोग्राफी का इक्विपमेंट, बहुत ही अच्छी तरह से पैक करके दिया है और आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं छोटे से कैंची के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में शॉप का लिंक दे दूंगा, अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए एक एक करके ओपन करते हैं और इसके साथ मैंने एक मेरा कैमरा का बैटरी भी लिया है, सोनी का A6500 जो मैं यूज़ करता हूँ। और एक पैकिंग, इसके अंदर और एक डब्बा, इसको फोड़ने में मजा आता है। वाह, मस्त पैकिंग करके दिया है। चलिए इसको अब खोलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या है। पावर केबल, मैनुअल, और ये है वारंटी कार्ड, और ये है लाइट। ये है रिमोट, इसका साइज आपको देखने से ही पता चल रहा है इसका साइज कितना होगा। पीछे आपको एक पावर ऑन ऑफ स्विच, एक कंट्रोलर और एक डिस्प्ले और एक पावर केबल, बस इतना सही है। चलिए इसको जल्दी जल्दी सेट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और इसमें है लाइट स्टैंड और जो सॉफ्ट बॉक्स, पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स। चलिए इसको ओपन करते हैं। यह है गोडॉक्स का पैराबोलिक ऑक्टोबॉक्स और ये डिजिटेक का एक लाइट स्टैंड। इसको फिट करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, बहुत ही टाइम लगता है इसको सेट करने में। और इसके साथ साथ इसका डिफ्यूज़र भी है, आई थिंक इसमें दो है। और ये क्या है, अच्छा ये ग्रिल है इसका। टोपी की तरह काम आएगा, मस्त धूप में इसको पहन सकते हैं, धूप में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है, टोपी की तरह काम आएगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा है। दो सॉफ्ट बॉक्स का पैसा अगर आप मिलाए तो आपका एक लाइट आ जाएगा। लगभग एक घंटा लगा इसको सेट करने में। ये जो स्पोक है बहुत ही हार्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हेलो, क्वालिटी तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही बड़ा। मैंने जितना यूट्यूब पर वीडियो देखा है, जो लोग क्रोमा सूट करते हैं या लाइट बहुत ही अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं, मैक्सिमम यूट्यूबर या मैंने जितना पता किया है, लाइट के साथ साथ ये पैराबोलिक जो ऑक्टा बॉक्स है इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका लाइट कुछ अलग होता है। मैंने जितना पता किया है तो मुझे यही मिला और मैंने शॉप ओनर से भी बात की कि अगर मैं नॉर्मल लूँ या ये लूँ, तो उन्होंने ही बताया कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा खर्चा करें तो आप ये ले, ये अच्छा है, ये बेटर है, तो मैंने इसको चुना। इसका प्राइस लगभग मुझे 5,100 रुपये तक पड़ा। एक स्पोक निकल गया था, बहुत ही हार्ड है ये, बिग अनबॉक्सिंग। इसके साथ और भी कुछ लगाना बाकी है, उसको जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। बहुत मशक्कत के बाद हमने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है और ये रहा हमारा गोडॉक्स SL60। पीछे की तरफ आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, अभी इसका लाइट जो है 25 है और मैंने इसको चैनल 3 पर सेट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका
कितना डेंसिटी है इसका, कितना इसका पावर है। ये जस्ट 60 वाट का है, ये नीचे एकदम 10 तक जाएगा। ये 10 है इसका पावर, आप देख सकते हैं 10। और इसको आप रिमोट से भी कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं मेरे घर पे खाली एक ट्यूबलाइट जल रहा है और बाकी सब लाइट मैंने ऑफ कर दिया है। इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं ये ओनली 25% है। इसको मैं अप करता हूँ, 100 तक करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये हो गया 100। और इसको मैं कम करता हूँ, नीचे 25 तक, ऊपर 100। इसका प्राइस मुझे पड़ा 7,800 ओनली लाइट, और जो स्टैंड है उसका प्राइस मुझे पड़ा 500 रुपीज़, और इसका जो सॉफ्ट बॉक्स है यानी गोडेक्स P90L उसका पड़ा 5,100, और जो ग्रिल है उसका पड़ा मुझे 1,400 रुपये। तो सब अलग अलग से लेना पड़ेगा। तो ये है मेरा पुराना लाइट, एक ट्यूब लाइट, ऊपर एक बल्ब LED बल्ब, और सामने एक रिंग लाइट, और साइड में एक जो वीडियोग्राफी के लिए जो LED लाइट होता है कैमरे मैन के हाथ में, उस तरह का लाइट। और चलिए मैं इसको अब करता हूँ ऑन, आपको पता चल रहा है कितना इसका पावर है, शायद आपको पता चलेगा। और इसके साथ अभी मैं इसका जो सॉफ्ट बॉक्स है उसको जोड़ने वाला हूँ। चलिए इसको जोड़ के आपको दिखाते हैं। अभी जो मैंने ये लाइट सेट किया है ये एकदम कैमरे के ऊपर है, और इसका परसेंटेज 50 है, और कैमरा का जो सेटिंग्स है, जो शटर स्पीड है ये 50 है, जो एपेचर है वो है 2, और ISO 100। अभी मैंने लाइट को सेट किया है अपने दाएं तरफ, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है इस तरफ जो लाइट है और इस तरफ डार्क है। अब मैंने लाइट को सेट किया है मेरे फेस से जस्ट 2 से 2.5 फीट की दूरी पर, और मैंने बैकग्राउंड को लाइट करने के लिए 3 लाइट दिया है। अगर मैं क्रोमा की यूज़ करता हूँ, क्रोमा यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए बैकग्राउंड को लाइट करना ज़रूरी है। तो अभी मैंने इस लाइट के साथ एक एक्स्ट्रा और डिफ्यूज़र मैंने लगाया है, और उसके लिए थोड़ा इसका जो पावर है वो ज़्यादा करना पड़ा। अभी है 70% पर, और इसका केल्विन है 5600। तो मुझे पता था इसमें केल्विन नहीं है, अभी देख रहा हूँ इसमें केल्विन है, जो बहुत ही अच्छा बात है। तो 2-3 तरह का प्लेसमेंट में चेंज करके, लाइट सेट करके मैंने आप लोगों को दिखाया। मुझे जितना पता है या मुझे जितना ज़रूरी है, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को देखकर ही पता चल जाएगा इस लाइट का क्वालिटी कैसा है। अगर ये लाइट यूज़ करते हैं तो इसका वीडियोग्राफी कितना अच्छा आएगा या बुरा आएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। गोडेक्स SL60 एक बहुत ही बेहतरीन लाइट है वीडियोग्राफी के लिए। आज मैंने इस वीडियो में अनबॉक्सिंग से सेटअप तक, और इसके साथ साथ क्या क्या एसेसरीज चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह आगे भी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।